हेलो, आज हम बनाने वाले हैं मीशो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिलने वाला बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड से 3 सर्कल कट किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज के सर्कल कट कर सकते हैं। सर्कल को कट करने के बाद हमने इनके सेंटर पे स्टिक किया है दिया। दिए को स्टिक करने के बाद अब हमें चाहिए है प्लास्टिक स्पून। मैंने गोल्डन कलर की प्लास्टिक स्पून का यूज़ किया है। कलर से कोई मैटर नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है सस्ता वाला उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसको लेकर के मैंने उसके आगे वाले पार्ट को तोड़ करके अलग कर लिया है और फिर उसको वन बाय वन दिए के चारों ओर स्टिक किया है ग्लू गन की हेल्प से। और फिर इसके बाद हमने एक लेयर इसकी और लगाई है। एक लेयर और लगाने के बाद हमारा जो शेप है वो लोटस की तरीके का हो गया होगा। अब हमको ऐसा ही दो और बना लेना है और इनको साइड में रख देना है। इसके बाद अब हम बनाएंगे इसका स्टैंड। तो स्टैंड बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप का यूज़ किया है। जो नल फिटिंग के लिए पाइप आती है ना, वो वाले पाइप का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी लेंथ में उसको कट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में पीवीसी पाइप नहीं है तो आप इसमें कवर का रोल, जो कॉपी वाला कवर आता है उसका रोल, या स्टिकर्स आते हैं वॉल स्टिकर, उनका रोल यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मैंने लेस के रोल में डाल करके स्टिक कर दिया और फिर उसके ऊपर जो हमने लोटस बनाया था उसको स्टिक कर दिया है। और फिर इसके बाद मैंने इसमें स्प्रे पेंट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर का पेंट और कोई भी पेंट का मीडियम यूज़ कर सकते हैं। जो हमने लेस का रोल यूज़ किया है उसको वेट देने के लिए आप उसमें पत्थर, रेत, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वेट देना ज़रूरी है ताकि ये गिरे नहीं। पेंट करने के बाद हमारा जो लोटस दिया स्टैंड है वो बनकर के रेडी हो जाता है। आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में भी देख सकते हैं। बहुत ही कॉस्टली मिलता है और ये आपकी दिवाली डेकोरेशन में चार चांद लगाने वाला है।